हाल ही में इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी की मिस्टर ट्रंप से मुलाकात हुई। H1B खैर उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन उस पर कंसर्न्स काफ़ी हैं। नैस्कॉम के भी प्रोजेक्शंस आपने देखे होंगे। एट सम पॉइंट विल इंडिया हैव टू टेक इट अप सीरियसली विद US? डेफिनेटली, और मुझे लगता है जो उपयुक्त अवसर आता है और मौका मिलता है, इंडिया उसकी निश्चित रूप से बात करता है। और उसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय वहाँ IT में गए हैं, ये इल्लीगल माइग्रेंट्स नहीं हैं, ये हाईली स्किल्ड लेबर है, मोस्ट क्वालिफाइड। इनको दुनिया में कहीं भी रोजगार मिल सकता था, और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, और इसलिए टू पुट देम एट पार विद एन इल्लीगल माइग्रेंट इज नॉट अ फेयर प्रोपोजिशन। राइट, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं थोड़ी सर। एक तो GST अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म जो कि आपने कर लिया, ऑपोजिशन के पास शायद ज़्यादा मुद्दे बचे नहीं हैं सरकार को घेरने के लिए, करप्शन का एक भी चार्ज आज तक लगा नहीं पाए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बार बार जो देशभक्ति या देश हित की बातें होती हैं उसमें भी तोड़ मरोड़ के कहीं कभी सेकुलरिज्म घुसाने की कोशिश की जाए, कभी आर्मी पर उंगली उठा दी जाए, कभी ये कभी वो। आई मीन व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? कि कमज़ोर देश रहे, कमज़ोर राज्य रहे, ये फिलॉसफी इस देश में चलेगी नहीं। इसलिए एक कड़ी आप देखिए, कोई एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज रखने वाले लोग, उनको इसमें भी लज्जा नहीं आती कि हम नारा लगाएं कि देश के टुकड़े टुकड़े। कुछ लगाते हैं जो कि देश पे हमला करने वाले बुरानवानी जैसे लोगों को एलुजाइज करना, उसको हीरो बनाना, आर्मी के ऊपर प्रहार करना। मुझे लगता है कि ये जो एक फिलॉसफी पैदा हुई है, इसकी देश के मानस में कोई स्वीकृति नहीं है, और कम से कम हम जिस राजनीतिक प्रतिपक्ष के लोग हैं, हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको लगता है ऐसी पार्टियों का भविष्य भी खतरे में है कुछ? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि देश की जनता, कम से कम देश इतना कमज़ोर, बेचारा और मजबूर बन जाए, इसके लिए तैयार नहीं होंगी। बिल्कुल, चाइना के साथ जिस तरह के स्कर्मिशेज इस समय चल रहे हैं, एंड टू सम एक्सटेंट वी हैव लिटिल रफ और एजी रिलेशनशिप आई वुड से विद देम, स्पेशली ऑन ओबोर ऑल्सो। हालांकि US ने भी रिइटरेट किया हमारा स्टैंड, बट इसे स्मूथ होता आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मुझे लगता है कि अनसेटल्ड बॉर्डर के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस तरह की स्कर्मिश होती हैं। वहाँ गोली तो नहीं चलती, लेकिन स्टैंड ऑफ्स होते हैं, और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद स्टैंड ऑफ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टैंड ऑफ भी समाप्त होगा। एक स्टैंड ऑफ सर जिसकी काफ़ी बात हुई है, वो दैट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द RBI और द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप क्या कहना चाहेंगे? स्टैंड ऑफ नहीं है, देखिए कोई स्टैंड ऑफ नहीं है। इसमें हर सरकार की इच्छा रहती है कि ब्याज दर थोड़ी कम हो जाए, उससे विकास थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें अंतिम निर्णय हमारी व्यवस्था में RBI करता है, और मैं उस RBI के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ हो, इसके पक्ष में नहीं हूँ। बट डू यू सी द नीड एज एन इकोनॉमिस्ट, अगर आप देखें इस समय देश को? मैंने आपको कहा कि सरकार की हमेशा इच्छा रहेगी, और आज तो मुद्रास्फीति वैसे भी नियंत्रण में है, प्राइस राइज कंट्रोल में है, इनफैक्ट और कम हो सकती है शायद, और इसलिए मेरी उम्मीद और बड़ी रहेगी, लेकिन इसका अधिकार RBI को है। ये रियलिटी है जो मुझे भी स्वीकार करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल होगा सर। सो कीपिंग इन माइंड कि थोड़ा रेवेन्यू साइड पे टेंटेटिव है सिनेरियो इस समय, लेकिन GST रोल आउट हो रहा है, वी हैव लेफ्ट डीमोनेटाइजेशन बिहाइंड, कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है अगले एक दो साल में, ग्रोथ आपका आउटलुक क्या है? कंजम्पशन तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, सरकारी खर्चा भी बढ़ेगा, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, लेकिन प्रयास सफलता तब आएगी जब निजी क्षेत्र भी निवेश करना शुरू करे। दैट इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली राइट नाउ। वो एक हमारी अर्थव्यवस्था का कमजोर अंग है। बिल्कुल, सो डू यू एक्सपेक्ट अ सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड इन नेक्स्ट 2 इयर्स? देखिए, हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी के पैरामीटर्स इतने साउंड आज तक कभी नहीं रहे। राइट, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ा रिफॉर्म आप रोल आउट करने जा रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट।